गंज बासुदा सिरोंज रोड पर ग्राम हरगना खेड़ी के पास विगत दिनों ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत हुई थी। घटना के बाद से ही निरंतर पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही थी। विदिशा जिले के एडिशनल एसपी समीर यादव ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान आरोपी का खुलासा किया। हत्या के आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। जितने भी अभी अभियान चलाए गए हैं, खासतौर पर हमने एनडीपीएस के अंतर्गत जितने अभियान चलाए हैं, इसके अलावा हमने ऐसे असामाजिक तत्व जो पहले से ही अपराध में लिप्त हैं उनके विरुद्ध जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के अभियान चलाए हैं, इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के जो माफिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसमें भू माफिया है, शराब माफिया है और खनन माफिया है, इनके विरुद्ध जितनी भी कार्रवाई की है वो बहुत ही प्रभावी रही है। इसके अलग से जितने हमने कार्रवाई की है उसके संबंध में हम आपको तथ्यात्मक और आंकड़े की जानकारी दे देंगे, लेकिन पूरे विदिशा जिला में इंक्लूडिंग गनबासोदा शहर और देहात थाने में भी बहुत प्रभावी कार्रवाई रही। एक स्कॉर्पियो भी चोरी हुई थी सर, पकड़ी गई है। जो स्कॉर्पियो चोरी हुई थी वो मिल गई है, पुरई के पास से ये बरामद हो गई है, लेकिन हम इसमें जानकारी अनुसंधान के अंतर्गत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चोरी हुई, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कैसे ये वहाँ पर से मिल गई है। इसमें निश्चित रूप से हम अनुसंधान के बाद जो इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। हरगना खेड़ी देसी शराब दुकान के सामने शाम के लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम रणवीर उर्फ गेंदे यादव था, जो कि ट्रक का चालक था, उसको चाकू मारने की घटना हुई थी। अज्ञात व्यक्ति के चाकू मारने से वह व्यक्ति घायल हो गया था। जब उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने देखने के बाद बताया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर यहाँ थाने में 307-302 की अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमारे SDOP साहब और DI साहब के द्वारा विशेष प्रयास करते हुए एक विशेष टीम के द्वारा इसका अनुसंधान किया गया और अनुसंधान में हमें जो साक्ष्य मिले थे उसमें हमने तकनीकी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, CCTV के फुटेज और जो वहाँ के चश्मदीद साक्षी थे उनका लगातार इंटरोगेट करके बयान लेकर के जो जिस निष्कर्ष पर पहुँचे तो उसमें यहाँ का एक व्यक्ति था कांता सैनी, जो कि निपलानी रोड सिरोंज का रहने वाला है, उसके द्वारा शराब की दुकान पर उनके बीच में विवाद होने के बाद चाकू मारा जाना पाया गया और उसे अभी हिरासत में लिया गया और पुलिस ने इस अपराध में ये पाया कि उसकी संलिप्तता। इस गंभीर अपराध को जिस टीम ने विशेष भूमिका निभाते हुए डिटेक्ट किया उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है और अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसके सही ढंग से अनुसंधान करते हुए माननीय न्यायालय से उसको दंडित करें। जैसा कि आपने बताया कि चाकूबाजी की है, कई फायरिंग की बात भी सामने आई थी, कोई फायरिंग वगैरह भी हुई थी क्या सर? अभी तक अनुसंधान में फायरिंग की कोई बात नहीं आई है, चाकूबाजी हुई है और उसके मेडिकल से ये बात प्रमाणित हुई। ये ट्रक ड्राइवर से इसका पहले विवाद हुआ था, क्या ये पहले से परिचित थे क्या एक दूसरे के? अनुसंधान में ऐसी बात तो नहीं आई है। कहाँ मतलब घटना स्थल के कितने पहले कहाँ इनका पहला विवाद हुआ? थोड़ी देर पहले हुआ था और उसी बात का बदला लेने के आशय से उसने फिर ये हमला किया। तो घर में भी ये लोग शराब पी रहे थे? जी, गया है उसी गाड़ी में, उसका चाइनीज पॉकेट खराब था और इस तरह की कई चीजें आई थी वहाँ पर, जो लोग थे चक्रवर्ती साथ थे उन्होंने इस तरह की बातें बताई थी, उसी के आधार पर ट्रैक किया गया और फिर बाद में उसको पकड़ने के बाद उसका अपडेट क्या हुआ, मतलब कुछ कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए? मेडिकल वाले मेरी चुकी साहब आप बताना चाहेंगे मेडिकल वालों के साथ? मेडिकल वालों के हम लोगों ने एक्चुअली मेडिकल यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टोर एसोसिएशन है उसके माध्यम से करीब 110 यहाँ मेडिकल स्टोर है, सभी संचालकों को बुलाकर ताकि किया जा सके कोई भी जो प्रतिबंधित